वास्तविक कमी भी कहीं अगर हो तो मूल्यों में कहीं आप कोई गिरावट का नया दौर या कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं दिखाई देता जिससे कोई बड़ी राहत की बात करें, बल्कि इसके उलट मैं तो कहता हूं कि कोई हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको महंगाई के दौर में कोई थोड़ी कृत्रिम ही सही चाहें लेकिन ऊंचाइयां आपको दिखाई दें। जी, महंगाई एक बड़ा विषय है हर आदमी, क्योंकि इससे प्रभावित होता है हर आदमी की किसान इससे प्रभावित होती है। निवेदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महंगाई पे रैकी कुछ कहती है, किस पे कुछ असर देखा जाएगा? जी, महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, आमतौर पे जो एक जनमानस को आम जरूरतों के लिए जो चीजें चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और जहाँ तक बहुमूल्य धातुओं का सवाल है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनमें हमें कहीं ना कहीं एक काफी अच्छे स्तर की तेजी हमें नजर आएगी। उसी के साथ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल चीजों की तो कहीं ना कहीं उसमें हमें गिरावट महसूस हो सकती है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हाँ, जहाँ उसमें नए आयाम भी हमें नजर आएंगे और शिक्षा और से संबंधित जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें एक रिलीफ वहां पे महसूस होता दिखाई दे रहा है। जी, चलिए, थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, रोजगार के अवसर सृजित होने की कुछ संभावनाएं दिखती है 2016 में, क्योंकि बड़ी चिंता है पेरेंट्स के लिए, हो सकते हैं कि जिनको हम पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी चिंता है समाज के सामने, सरकारों के सामने। देखिए, 2016 में अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की तो इसमें रोजगार के संबंध में नई दिशाएं भी नजर आ रही हैं और उसकी शुरुआत आगे बढ़कर नहीं बल्कि जो एजुकेशन के एस्पेक्ट में, जो एजुकेशन का जो फ्रेम है उसमें भी नए ऑल्टरनेटिव्स, नए ऑप्शंस 2016 में राइज होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं और ऑप्शंस बच्चों को मिलेंगे और जो आगे सर्टेनली अगर जब एजुकेशन में नए ऑप्शंस निकलते हैं तो उनसे लिंक्ड आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें नए विकल्प मिलेंगे रोजगार के क्षेत्र में भी। और हम एक साथ ये तो नहीं कह सकते कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी या हम ये मान के चले कि बड़े स्तर पे एक रिलीफ होगा, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नए विकल्प कहीं ना कहीं नजर आएंगे और जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी करेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाते हुए इकोनॉमी को बिल्ड करने में सहायक होंगे। जी, रोजगार के अवसरों की बात करें मुकेश जी, बेरोजगारी एक बड़ी पीड़ा है हम सबके सामने ही, और ये कहेंगे कि एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या पोजीशन रह सकती है, प्राइवेट सेक्टर कितने रोजगार के अवसर सृजित कर पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं जानना चाहूंगा कि रोजगार को जोड़ करके अगर हम 2016 को देखें तो कैसा एहसास हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, दो बातें हैं रोजगार को लेकर के। पहली बात तो ये है कि बहुत ही जो इस जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, कोई ना कोई तकनीकी या किसी भी चीज से स्किल्ड लोग हैं, वो सभी लोग कुछ ना कुछ सफलता 2016 में पाएंगे, ठीक है। और सपनों की जो बात करें, जैसे कोई किसी भी उद्देश्य के पीछे लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज के अंदर है कि जिसके जिसे लग रहा है कि मैं ये उद्देश्य पाना चाहता हूं, पिछले 2-3 साल से लगा हुआ था, कोशिश कर रहा था, उसे जिन्होंने बेहतर कोशिश की थी, जिन्होंने बहुत दम लगाया था, उन्हें सफलता मिल रही है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मई जून के अंदर बरसात से पहले पहले या अक्टूबर के आसपास एक बेरोजगारों से जुड़ा हुआ और बेरोजगारों की क्या कहते हैं कि ऊर्जा के साथ में एक बहुत बड़े आंदोलन, भावुक आंदोलन की मैं आहट यहां सुनाई मुझे सुनाई देती है। तो ये एक ऐसा मामला है जो जो आने वाले उसमें पूरे देश को हिला देने वाली स्थितियां उत्पन्न करेगा और ऐसा लगेगा कि ये छिपी हुई चीज एकदम से कहां से आ गई और इतना बड़ा कैसे इसने रूप ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं मई या अक्टूबर के दो सितारे हैं। अगर मई में आया तो हिंसक हो सकता है, अक्टूबर में आया तो एक कूल और बहुत शांतिप्रिय ढंग से उसका समापन हो जाएगा। ये बेरोजगारों द्वारा खड़ा किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी भी आंदोलन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो और बेरोजगार हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो कहीं ना कहीं इस ओर भी सितारे बहुत ही प्रमुखता से अपनी एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये भी है
कि कहीं ना कहीं मिल तो रहा है, जो टेक्निकली जो जो ठीक है, जो जिन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत की है उनको सफलताएं मिल रही हैं, और उनकी आक्रोश से एक बड़ी कोई बहुत बड़ा देश के किसी हिस्से में बहुत बड़ी कुछ चीज होती हुई नजर आ रही है जी। बेरोजगारी का आक्रोश कहा जा सकता है जो आप बता रहे। दूसरे एक बात और कही आपने कि केवल डिग्री ग्रेजुएशन या कहें कि हमें लिटरेट होने के अलावा आपको एडिशनल किसी तरह की कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होगी, उन लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। जो तो ये टेक्निकली मतलब जो टेक्निकली स्ट्रांग है, स्किल डेवलपमेंट, जीवन कौशल योजना, इनके साथ में सरकारें जो जोड़कर चल रही है, तो ये माना जा सकता है कि वो फलीभूत होती नजर आ सकती हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़े सफल, ये शायद हो सकता है कि ये सबसे बड़े प्रोग्राम सफल प्रोग्राम के रूप में आने वाले दिनों के अंदर ये सफल, इसको एक तरह का एक कहते हैं ना कि एक झंडा बरदार जो योजनाएं होती हैं जिनसे बहुत बड़ी चीजें निकल करके आती हैं और बहुत बहुत सफल मानी जाती हैं, उसमें कहीं ये आता हुआ नजर आता है। ये इतनी बड़ी सफलता खड़ी हो सकती है, जैसे आपने देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर एक योजना थी जिसने महानरेगा जिसको कहा गया, और जिसने बहुत बड़ी सफलता की योजना, अन्न गारंटी योजना, ये सारी कुछ सफल योजना थी, दवा वाली योजना बहुत बड़ी योजना, ऐसे ही ये स्किल डेवलपमेंट वाली योजना सबसे बड़ी योजना के तौर पर भी खड़ी हो जाए इस साल में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, वैसे तो कहा जाता है कि कर्म हमेशा फल से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, सरकारों के जो प्रयास 2015 के हैं या आम व्यक्ति के प्रयास हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्रयास हो सकते हैं, कई बार ये होता है कि आदमी मेहनत बहुत करता है लेकिन परिणाम कम निकल के आता है, 2016 कर्म के साथ फल को अगर हम जोड़ के देखें तो कितना प्रभावी हो सकता है? हाँ देखिए, क्या है कि जो कर्म का सितारा है वो बड़ी कठोरता से परीक्षा लेना चाहता है 2016 में, और काल्पनिकता, रोमानियत, इन सब के लिए बना है 2016, यानी 2016 एक कहते ना एक बहुत ही कल्पनाशील साल रहेगा, इसमें आपको आनंद आएगा, आपको बहुत अपेक्षाएं आपकी पूरी ना भी हो तो भी चीजें ठीक होती नजर आएंगी, और कठोरता से जिन्होंने मेहनत की है उनको सफलता मिल रही है। मतलब आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की जो पिछले किए गए कार्यों की तुलना में अगर आप कहें कि भाई उनको सफल या असफल, क्या उनके मापदंड 2016 में रहने वाले उनके कार्यक्रमों के, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई 2016 को कोई गवर्नमेंट याद रखना चाहेगी, क्योंकि वो एक ऐसा साल होगा जिसमें खड़े होने की कोशिश में और दूसरे लोगों को, अपने जनता को वो नई नई चीजें, लुभावनी चीजें, या ये कहें कि लोकप्रिय योजनाओं के साथ जनता को जोड़ने में गवर्नमेंट सफल रहेगी, ये जरूर एक बात हो सकती है। बाकी कोई परफॉर्मेंस के तौर पर आप अगर इसको याद करना चाहेंगे किसी साल में, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज सामने आएगी, बल्कि कुछ चीजों के बहुत पीछे से असफल होने या कानूनी तौर पर कुछ नाटकीय घटनाक्रम